कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार बैठकें चल रही है। इस बीच रविवार को भी सीएम हाउस में बड़ी बैठक रखी गई। इसमें प्रत्याशी चयन को लेकर पैनल तैयार करने के लिए पार्टी के नेताओं के बीच देर रात तक चर्चा चलती रही। वैसे तो बैठक में तय हो गया था कि आने वाले चुनावों में मंत्रियों की टिकट नहीं काटी जाएगी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 मंत्रियों और 14 विधायकों की टिकट पर गाज गिर सकती है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के बीच चर्चा हुई। इस दौरान बस्तर और बिलासपुर संभाग की सीटों को लेकर पैनल तैयार करने की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। इस दौरान विशेष तौर पर कांकेर, जगदलपुर, नारायणपुर, बिल्हा, तखतपुर और सरगुजा संभाग के सामरी की सीटों में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की गई। संभागों की अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से भी दावेदारों को लेकर फीडबैक लिया गया। जानकारी के मुताबिक संभागवार चर्चा के लिए सभी पदाधिकारियों को सीधे सीएम हाउस बुलाया गया था। बस्तर और बिलासपुर संभाग की सीटों पर तैयार पैनल को लेकर नए सिरे से चर्चा की गई। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई जगहों से सिंगल नामों का पैनल था, लेकिन दिल्ली की सर्वे रिपोर्ट और यहां की रिपोर्ट में काफी अंतर पाया गया। कहा जा रहा है कि 14 ऐसे विधायक जिनकी रिपोर्ट खराब आई है, उनमें से कुछ के नामों के सिंगल पैनल ही थे। तो वहीं जिन 2 मंत्रियों की टिकट काटने की बात सामने आ रही थी, उन्हें दूसरे सीटों में मैनेज करने की कवायद भी चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि तैयार किए जा रहे पैनल के साथ किसी भी सीट में सिर्फ सत्ता संगठन की गोपनीय रिपोर्ट और स्थानीय स्तर पर मिले फीडबैक को ही मद्देनजर रखा जाएगा। इस मीटिंग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के 21 सितंबर को भिलाई में महिला सम्मेलन को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि 21 सितंबर को भिलाई में महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। बीती रात हुई बैठक में प्रियंका के दौरे को लेकर भी वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा हुई और दौरे को लेकर मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी हुई। अब ऐसे में देखना होगा कि वो कौन से 14 विधायक और 2 मंत्री हैं जिनकी टिकट काटने की बात चल रही है, और क्या वाकई में इन 2 मंत्रियों और 14 विधायकों की टिकट कटेगी या इन्हें किसी और सीट पर मैनेज किया जाएगा। वैसे इलेक्शन को देखते हुए IBC 24 और खबर विभाग भी एक खास सर्वे पोल आप सभी के लिए चला रहा है। इनमें वो सारे सवाल हैं जो सीधे आपको यानी जनता को प्रभावित करते हैं। मसलन आपके क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं का निवारण हो पाया है या नहीं, अगर नहीं हो पाया है तो इनके लिए कौन जिम्मेदार है, आप मुख्यमंत्री के रूप में आखिर किसे देखना चाहते हैं, क्या आप अपने क्षेत्र के मौजूदा विधायक को बदलते हुए देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि वही विधायक एक बार फिर से आपके क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे। ऐसे कई और सवाल हैं जिन पर IBC 24 और खबर विभाग अपने सर्वे पोल में आपकी राय जानना चाहता है। इस पोल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप तुरंत जाकर इस पोल को फिल करें और अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।